brought to you by American Pistachios. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं रॉबिन मिंस की। ये खिलाड़ी जिसे आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने ऑक्शन में खरीदा, इस खिलाड़ी को एमएस धोनी से भी जोड़ा जा रहा था, क्रिस गेल से भी जोड़ा जा रहा था, और इस खिलाड़ी का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ। अब हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो एक्सीडेंट से पहले की है। इसमें आप देखेंगे कि रॉबिन मिंस एक स्पोर्ट्स बाइक निंजा कावासाकी पर सवार है। ग्रीन कलर की ये बाइक है, इसके साथ एक गाड़ी है लाल रंग की। आप देखेंगे कैसे रॉबिन मिंस उस गाड़ी के साथ पैरेलली इस बाइक को चलाते हैं। तो आइए एक बार जरा नजर डालते हैं इस वीडियो पर। रॉबिन मिंस की ये वीडियो थी ठीक एक्सीडेंट से पहले की, जिसमें आप देखेंगे कि बाइक और गाड़ी पैरेलली चल रही थी और ज़्यादा रफ्तार नहीं थी बाइक की भी और गाड़ी की भी। इसमें ऐसा लग रहा था देखकर कि शायद रॉबिन मिंस गाड़ी चलाना यानी कि बाइक चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत धीरे भी चला रहे थे और गाड़ी के साथ साथ चला रहे थे। एक्सीडेंट के बाद जब उनके पिता से बात हुई तो उन्होंने ये अपडेट दी कि बाइक को भले ही नुकसान हुआ है लेकिन रॉबिन मिंस ठीक है, सेफ है। उनके राइट पैर पे खरोचे आई हैं, चोट आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस चोट नहीं है, तो चिंता वाली बात नहीं है। फिलहाल वो इस वक्त अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद यही है कि वो जल्दी बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब इस खिलाड़ी के बारे में थोड़ा आपको अगर बताएं तो इस खिलाड़ी को एमएस धोनी और क्रिस गेल से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि पहले तो ये झारखंड से आते हैं, इन्हें झारखंड का क्रिस गेल भी कहा जाता है। उसके बाद एमएस धोनी इनके पिता से भी मिल चुके हैं और उनसे बात कर चुके हैं। जब ये इनके पिता से मिले थे तब उन्होंने एयरपोर्ट पर इनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर एमएस धोनी ने कहा था कि इस खिलाड़ी को कोई ले ना ले, लेकिन सीएसके ज़रूर इस खिलाड़ी को लेगी। ये खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार विकेट कीपिंग भी करते हैं। इनके कोच ने भी बताया कि बहुत लंबे लंबे पावर हिटिंग शॉट्स लगाते हैं। और जब ऑक्शन में इस खिलाड़ी का नाम आया, इस खिलाड़ी का बेस प्राइस था 20 लाख। उसके बाद जब नाम आता है इस खिलाड़ी का तो सीएसके भी पैडल उठाता है, मुंबई इंडियंस भी वहां पैडल उठाता है, लेकिन बाजी मार लेता है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस 20 लाख के बेस प्राइस वाले खिलाड़ी को 3.6 करोड़ में अपने पास ले लेता है। तो एक और विकल्प आ गया है गुजरात टाइटंस के पास विकेट कीपिंग के लिए। अब उम्मीद यही है इस एक्सीडेंट के बाद वो जल्दी जल्दी ठीक हो, रिकवरी हो जाए। चोट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है लेकिन क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो पैर में जब चोट आ जाती है, विकेट कीपिंग आप करते हैं, बल्लेबाजी आप करते हैं, तो वहाँ पे वो रिकवर होना, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करना, देखना ये होगा कि वो कब तक फिट हो पाएंगे। उम्मीद यही है कि आईपीएल तक वो आपको फिट मिलेंगे और शायद वो गुजरात टाइटंस में आपको खेलते भी नजर आए। तो ये पूरी अपडेट थी जिसमें हमने आपको वीडियो दिखाई कि रॉबिन मिंस की एक्सीडेंट से पहले क्या वीडियो थी, वो कैसे कौन सी बाइक चला रहे थे। इस बाइक का नाम था निंजा कावासाकी, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख है। बाइक को नुकसान आया लेकिन शुक्र है कि रॉबिन मिंस सही सलामत है और ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। स्पोर्ट्स तक की एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है www.thesportstak.com, वहां भी जरूर जाइए सारी डिटेल्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।